बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयर्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है इंतहाई अहम है, पब्लिक इंटरेस्ट है हमारे मोशे के अंदर। बेतहाशा वरासती प्रॉपर्टी जायदाद वगैरह का इशू चलता रहता है। कुछ प्रॉपर्टी कुछ लोगों को 200 साल के बाद पता चलता है, कुछ को 100 साल के बाद पता चलता है, कुछ को 50 साल के बाद पता चलता है कि हमारी फलानी जगह पर वरासती प्रॉपर्टी पड़ी है, उस पे मामे चाचे का रिश्तेदारों का या ABC कोई किसी और का कब्जा है। जब उनको पता चलता है तो फिर वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, तो हम अब क्या करें। एक सवाल था इसमें, ऑनरेबल अदलिया की जजमेंट्स भी आ गई हैं जिसमें वरासती प्रॉपर्टी चाहे 100 साल पुरानी हो चाहे 200 साल पुरानी हो, अगर आपको अगर कब्ज़ा है किसी का तो आप उसको अदालत में आकर चैलेंज कर सकते हैं, अदालत में केस कर सकते हैं। अक्सर सवालात उठते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी विरासती प्रॉपर्टी जी 200 साल से वो कब्ज़ा जी, साल के 100 साल से कब्ज़ा है 50। तो ये केस इसमें 2021 MLD 1146 पेज है। इसमें एक प्रॉपर्टी थी जो कि 100 साल से यानी कि 1917 से वो प्रॉपर्टी थी, 100 साल हो गया था। अब विरासत था, विरासत का इशू था उसके, अब पार्टी ने केस कर दिया लीगल हेड के लिए। इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ, नो टाइम लिमिटेशन इन हेरिट एंड प्रॉपर्टी केसेस। अब इसमें एक चीज़ ये है कि जब भी जहाँ भी प्रॉपर्टी का इशू होगा वरासती का, उसमें किसी किस्म के कानून के अंदर लिमिटेशन नहीं है, कोई मियाद नहीं है। जब चाहें आप केस को फाइल कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी वरासती प्रॉपर्टी का आप लीगल हेड डिक्लेयर हो सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को हासिल कर सकते हैं, अदालत में केस कर सकते हैं। इसमें कहीं भी नहीं कानून के अंदर कहीं भी नहीं लिखा कि आप इसमें कानून मियाद को आप सामने लाएंगे। एक तो ये प्रोसीजर है, ये 1917 का इंतकाल था, इंतकाल वरासत का इंतकाल था जो कि सन 2000 में अदालत में चैलेंज कर दिया गया और उनके हक में फैसला हुआ। दूसरी पार्टी अपना हाई कोर्ट में चली गई और हाई कोर्ट में भी पहली नीचे जो कोर्ट का जो फैसला था बरकरार रखा और ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि कानून विरासत के अंदर, विरासत के अंदर जो जायदाद विरासती जायदाद है, विरासती प्रॉपर्टी है, इसके अंदर किसी किस्म की लिमिटेशन मियाद का यानी कि कोई जिक्र नहीं है कि इसमें किसी जितना मर्जी अरसा हो जाए आप कानून विरासत के में भी बताया गया, क्लियर बताया गया सुप्रीम कोर्ट ऑनर पाकिस्तान की भी बेतहाशा जजमेंट्स हैं इसमें कि विरासत के अंदर कोई मियाद नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, नो टाइम लिमिटेशन इन हेरिटेंस प्रॉपर्टी केसेस। तो आप केस कर सकते हैं। एक दोस्त का सवाल भी आया, उनका भी तकरीबन कोई 45 साल से केस चल रहा है, उन 45 साल से, तो उनसे पहले क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान बनने से पहले की थी, तो वो कहते हैं जी अब हमारी ये विरासत हमारे बुआ जदाद की है और इसमें हमारे रिश्तेदारों ने कब्ज़ा किया हुआ है, हमें बताया नहीं था, अब हमें पता है। हाँ, वो आप अदालत में जाकर केस कर सकते हैं। इसमें ये नहीं होगा कि अदालत रिजेक्ट कर देगी। अगर विरासत का केस है, विरासत की प्रॉपर्टी है, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं और अपने प्रॉपर्टी को हासिल बजरिया कोर्ट कर सकते हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उनका कोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा। और तो ये जो जजमेंट है बहुत खूबसूरत है, 2021 MLD 1146। तो जितना भी अरसा गुजर जाए वरासती प्रॉपर्टी वरासती जायदाद का केस किया जा सकता है, आप अपना हक ले सकते हैं। और इसी तरह और भी केसेस हैं जिस पे कि जिनके हवाला जात हैं आप ले से, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने जितनी भी जजमेंट है लिमिटेशन कानून विरासत में, विरासत की जो प्रॉपर्टी उस पर बेतहाशा जजमेंट्स हैं, तो इसमें किसी किस्म की कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई मियाद नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।